नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल बिल। लोकसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होते ही पूरे इलाके में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो कोशिश कर रहे हैं चुनाव में अपना किस्मत आजमाने के लिए, दूसरी तरफ जनता में भी चुनाव को लेकर काफी चर्चा देखा जा रहा है। और इस बीच हम पहुंचे हैं राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के पलामू जिलाध्यक्ष अजीत मेहता के पास, क्योंकि कभी भी कोई भी राजनीतिक मसला हो तो कहीं ना कहीं से अजीत मेहता का बयान जरूर सामने आता है। तो इस बार जो झारखंड में टिकट बंटवारे को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले कैपिटल न्यूज जो देखने से भी श्रोतागण को जोहार, और इस राष्ट्रीय पर्व में मैं अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि वोट जरूर करें, ताकि आपका एक वोट पूरा देश के तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। आज जिस तरह से राष्ट्रीय त्योहार में आप देखने को उत्साह कम है, पहले के चुनाव में देखा जाता था कि ढोल नगाना चर्चा चौक चौराहा कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। आज मैं आपको बता दूं कि खासकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा हमेशा ओबीसी के हक में लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ओबीसी को एक तरह से गला घोटने के बराबर दोनों दल की है झारखंड में, क्योंकि जब झारखंड अलग हुआ तो लोगों में उत्साह था कि कारखाना लगेगा, फैक्ट्री लगेगा, हमारा बच्चा 20,000-30,000 कमाने लगेगा, तो 600 रुपये वाला तो लाइन में पोस्ट ऑफिस में नहीं खड़ा होता। तो कहीं न कहीं एक केवल शोर शराबा रहा। उसी बीच जब बाबूलाल मुख्यमंत्री बने, जो अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, क्या जन ओबीसी के इतना दुश्मन है कि उनका जो नाम धन में भी उनको अब शर्म लगता है। 27% आरक्षण हम लोग के था ओबीसी के झारखंड में, आज उन्होंने सरकार जिस तरह से बना और तुरंत उसको 24% करने का काम किया। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी ने ओबीसी को गाला घोटने का काम किया है, हम उसका निंदा करते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन भी कम नहीं रहे। दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं चट्टू मट्टू। जिस तरह से आप देखिए कि अभी पंचायत चुनाव में हम लोग संघर्ष कर रहे थे, 9,078 जो रिक्त था ओबीसी के लिए पद उसको खत्म किया गया, यानी 14 से भी घटाकर 0 कर दिया गया। आज हम पूछना चाहते हैं हेमंत सोरेन तो अभी जेल में है चंपई सोरेन से, कि आखिर आपने केवल वोट के लिए ओबीसी की राजनीति कीजिएगा कि ओबीसी के लिए कुछ कीजिएगा? आज हम लोग आहत हैं। ओबीसी का जिस तरह से झारखंड में आबादी है, कहीं न कहीं ये सौतेला व्यवहार किया गया। लेकिन मैं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के जिला अध्यक्ष भी हूं, इस तरह से मैं आपको बता दूं कि झारखंड में मेरा आबादी 14.5% है, यानी झारखंड का तीसरी सबसे आबादी कुशवाहा परिवार है झारखंड में। आज उसको क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, अनदेखा किया है, उसका जो नतीजा होगा बहुत बुरा होगा, क्योंकि हम लोग मंथन कर रहे हैं, तीसरा फ्रंट बनाने की बात चल रही है, क्योंकि खासकर बीजेपी से ज्यादा हम लोग नाराज हैं। 90% कुशवाहा परिवार झारखंड में बीजेपी के वोट झारखंड अलग होने के बाद करती आई है, लेकिन 14 सीट मान लीजिए पलामू रिजर्व है, उसके बाद एक भी कुशवाहा को टिकट न देना ये साबित करती है कि कुशवाहा विरोधी है। इसका जवाब हम लोग देंगे। अभी कुछ महागठबंधन के घोषणा होना बाकी है, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि कुशवाहा परिवार का जो हिस्सा बनता है दे, मान सम्मान देने के काम करे, ओबीसी का ज्यादा से ज्यादा सीट दे, इस पर हम अनुरोध करते हैं। आज खासकर पलामू जिला में जो देख रहे हैं उदास, आज ओबीसी परिवार कुशवाहा परिवार कहीं न कहीं सभी दल से उदास है। हम लोग इस राष्ट्रीय त्योहार को बहिष्कार नहीं करना है, हम लोग मनाएंगे,
लेकिन उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सभी प्रखंड अध्यक्ष को बुलाए थे, सचिव को, जिला कमेटी को, हम लोग एक ठोस निर्णय लेंगे, क्योंकि पलामू जिला का इतिहास बदलने में कुशवाहा परिवार काम करेगी इस चुनाव में। क्योंकि हम लोग जिस उद्देश्य से अपेक्षा पर पानी फिरने का दोनों दल काम किया है, आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आबादी के अनुसार हम लोग हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हम लोग के ही आवेदन जो देगा, हम लोग विचार करेंगे और विचार करके हम लोग का प्रस्ताव रहेगा कि हमारा आबादी इतना है, पलामू जिला में 21 प्रखंड है, उसमें कुशवाहा परिवार को कितना प्रतिनिधि बनाएगा, कितना कोटा का पैसा देगा, कितना सम्मान देगा, उसके बाद हम लोग समझौता करेंगे। कोई पार्टी का हम विरोधी नहीं है, न कोई मैं सपोर्टर हूं। हमारा शुद्ध एक तरह से जातीय संगठन, सामाजिक संगठन है। हम लोग विकास के मुद्दा पर चलते हैं, हम लोग किसी का विरोधी नहीं। तो विकास में सिर्फ आप कैसे ये तय करेंगे कि कुशवाहा समाज के लोगों को प्रतिनिधि बना देने से विकास होगा? नहीं नहीं, प्रतिनिधि आखिर 21 प्रखंड है, एक भी प्रखंड में कोई प्रतिनिधि नहीं बना है। तो सम्मान की जहां तक बात आती है, तो पहले प्रतिनिधि जब 21 में से 5 को 10 को बनाया जाता है तो उन्हें कहीं ना कहीं सम्मान मिला, क्योंकि पलामू जिला में सबसे ज्यादा आबादी हम लोग का है, क्योंकि 4.5 लाख पलामू, 1.5 लाख गढ़वा, 6 लाख, यानी सचमुच कहे तो जो तकदीर सांसद का होता है कुशवाहा परिवार लिखने के काम करती है, उसके वजह में हम लोग के 0-0-0 मिलता है। हम लोग समझौता के साथ ही समर्थन करेंगे, कोई दल के करेंगे हम लोग। आप तो बता रहे हैं कि आप चाहे क्षेत्रीय दल हो या फिर राष्ट्रीय दल हो, आप सबका सबसे आप लोग आहत, तो अब क्या तीसरा जो विकल्प होगा उस पर विचार किया जाएगा कि आप लोग अपना प्रत्याशी मैदान में देंगे या फिर इन्हीं दलों से वार्ता की बात करेंगे? देखिए, हम लोग इसका शुरुआत किए हैं, क्योंकि हम लोग, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो टीम है, उन्होंने चतरा में कुशवाहा परिवार के लिए मांग किया था कि आपने एक भी सीट नहीं दिया है, कहीं चतरा से कुशवाहा परिवार के टिकट नहीं दिया जाता है, तो हम लोग आहत होकर अपना प्रत्याशी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और हम लोग लड़ाए भी, राजीव कुमार लातेहार के पूर्व डीसी को हम लोग प्रत्याशी बनाने के काम चतरा विधानसभा में किया है, एकमात्र संसदीय क्षेत्र में किया है, अभी 14 पर हम लोग करेंगे। अभी भी समय है सभी दलों के पास, ठीक है अपना प्रत्याशी घोषणा कर दिया है, लेकिन आगे का जो प्रक्रिया है, आप केंद्रीय टीम को बुलाइए, जिला टीम को बुलाइए, मेरा सब टीम रहेंगे, एक समझौता कीजिए कि प्रखंड में कितना प्रतिनिधि बनाओगे, कोटा के कितना हिस्सा हमारे समाज को दोगे, कितना मान सम्मान दोगे, उसके बाद हम लोग, कोई परहेज नहीं है, उसके बाद हम लोग सपोर्ट भी करेंगे, मान सम्मान के बदला आपको भी सम्मान करेंगे। अब नहीं करते हैं तो खुल का विरोध होगा, अपना प्रत्याशी समर्पित हम लोग देने पर मजबूर होंगे। सुना आपने, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजीत मेहता जी थे, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि कुशवाहा समाज को उपेक्षित किया गया है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या राज्य की पार्टियां हो, सभी दलों के द्वारा इन्हें उपेक्षित किया गया, और इससे आहत होकर कुशवाहा समाज यह निर्णय ले चुकी है राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के बैनर तले इनका अपना प्रत्याशी उतारा जाएगा या फिर कोई भी पार्टी इनसे बात करती है और इनकी जो मांग है उसका समर्थन करती है तो ये उसे मदद करेंगे। आगे चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।